हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड कस्टमर केयर नंबर के बारे में। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड हेल्पलाइन नंबर, कैसे आपको संपर्क करना है, कैसे शिकायत करनी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की कंडीशन आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे लोगों को अपने सेंटर से शिकायत है, काफ़ी सारे लोगों को अपने मार्क्स से शिकायत है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टॉपर थे लेकिन उनके काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। दोस्तों, ऐसे में सीबीएसई बोर्ड से आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सीबीएसई बोर्ड हेल्पलाइन नंबर पर, जहां से आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले cbse.gov.in वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अगर नहीं ओपन करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे वीडियो को देखते रहिए और जैसे ही मैं नंबर बताऊं उसको नोट कर लेना है। देखिए, यहां पर वेबसाइट ओपन कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की, और यहां पर देखिए सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं वेबसाइट के, ये देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं। देखिए 011 करके नंबर है, उसके बाद में ये है, यहाँ पर 5 नंबर दिए हुए हैं जिन पर कॉल करके आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक टोल फ्री नंबर 1800 जो ऑल इंडिया नंबर है। दोस्तों, इस नंबर पर कॉल करके आप सीबीएसई बोर्ड से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर यहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो आपको कंसर्न पर्सन के बारे में बताएंगे, उसका नंबर देंगे और कहेंगे वहाँ पर आप शिकायत करिए। इसके अलावा ये जो नंबर है 011, ये भी यहाँ पर दिया है और यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर भी दिया है, और इसके अलावा info.cbse@gov.in ये मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या है तो। दोस्तों, यहां पर जो सेंटर के बारे में प्रॉब्लम है तो उसको आप मेल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए ये तो बात थी यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में कोई परेशानी है तो आप अपने स्कूल में संपर्क करिए, और जो आपके स्कूल के हेड होते हैं उनके पास सीबीएसई बोर्ड वालों का नंबर होता है, वहाँ से आप नंबर लेकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका रीजन है उस रीजन के हेड ऑफिस आपको बात करनी है तो आपने क्या करना है, अबाउट सीबीएसई पर जाना है और यहाँ पर देखिए रीजनल ऑफिसेज एंड ऑफिसर्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको सारे यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है। देखिए दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, गुवाहाटी, नोएडा, पंचकुला, पटना, सारी जगह के देखिए इलाहाबाद है ये, प्रयागराज, तो यहाँ पर देखिए जितने भी रीजन हैं सभी रीजन के हेड ऑफिस यहाँ पर दिए हैं। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसको आपको जो लोकेशन है वो मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी उसमें ऑफिसर्स होते हैं उन सबके नंबर मिल जाते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर यूपी से हैं तो इलाहाबाद वाले रीजन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों के नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी समस्या है आप आराम से उस समस्या का समाधान ले सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा दोस्तों और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।